हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखिए सेल चैप्टर के बाद में जेनेटिक्स लेने का रीजन यही है क्योंकि आपने सेल डिवीजन पढ़ लिया है। अभी आपको मालूम है सेल डिवीजन के टाइम पे डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है और वो कैसे आपके प्रोफेज से लेकर टीलोफेज तक किस तरह से क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स को आगे समझने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोगों ने ये चैप्टर जो है पहले लिया है। चलिए तो जेनेटिक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक्स आखिर है क्या? जैसे जेनेटिक्स वर्ड हमारे दिमाग में आता है, सबसे पहले जो चीज हमारे दिमाग में आती है वो आती है ग्रिगर जॉन मेंडल के बारे में, कि मेंडल जो है जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिसने अपने वर्क से हमें प्रोवाइड किया कि किस तरह से करेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मूव करते हैं, उसके पीछे क्या लॉज हैं। वो लॉज हमें जो दिए हैं वो मेंडल ने दिए हैं। ठीक है, तो मेंडल के बारे में एक क्वेश्चन है जो आपके लास्ट ईयर पूछा गया था, उसको आपको ध्यान में रखना है कि मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उसके लिए कितना टाइम लिया था। तो उसने टाइम लिया था 7 इयर्स। ओके, तो 7 इयर्स उसने टाइम लिया, और कब से कब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे, 1856 टू 1863। ठीक है, और लॉ ऑफ जो है इनहेरिटेंस वो हमें दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बता दिया है। और जेनेटिक्स जो है वो साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। इनहेरिटेंस क्या होता है, दिमाग में क्वेश्चन आता है, इनहेरिटेंस एक प्रोसेस है जिसकी वजह से क्या होते हैं, करेक्टर जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव करते हैं। ठीक है, तो उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। वहीं पे एक शब्द आता है वेरिएशन, तो वेरिएशन जो है किसको बोल रहे हैं, तो वेरिएशन जो है वो डिग्री है, मतलब कि कोई भी डिफरेंस की डिग्री, कि एक पेरेंट से प्रोजेनी कितनी डिफरेंट है, तो वो डिफरेंस जो आ रहा है, जो वेरिएशन डेवलप हो रहा है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। यानी कि ये जो डिफरेंस, ये जो वेरिएशन आए वो कैसे डेवलप हुए। अभी आप लोगों में कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपके मम्मी पापा जैसे हैं लेकिन आप एग्जैक्टली उनकी कॉपी नहीं है, कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर आए हैं, राइट। तो उसके बारे में स्टडी की जाती है जेनेटिक्स के अंदर। हेरिडिटी भी एक वर्ड आता है ना, हेरिडिटी, हेरिडिटी उस कंडीशन को बोल रहे हैं कि जो करेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आए हैं तब हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। सबसे पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे, अगर वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी तो जेनेटिक्स को समझना बहुत ही आसान है। चलिए, तो सबसे पहले एक तो आप लोगों को ये नहीं मालूम है डीएनए के बारे में, आपको मालूम है डीएनए क्या होता है। तो डीएनए हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी सेल्स का जो है जेनेटिक मटीरियल है। ठीक है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियर करते हुए चलती हूँ। ठीक है, डीएनए जो है इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस होती है। ठीक है, कितने होते हैं भाई नाइट्रोजन बेस, 4 होते हैं। आपको पता है 2 प्यूरिन, 2 तरह के पिरिमिडिन होते हैं इनके अंदर। और ये जो नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस होती है, इस सीक्वेंस से ही क्या बनते हैं, हमारे जेनेटिक कोड बनते हैं। जेनेटिक कोड वो है जो किसी पर्टिकुलर एमिनो एसिड को कोड करते हैं। एमिनो एसिड की एक स्पेसिफिक सीक्वेंस से किसी तरह की प्रोटीन बनती है और वो प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर करेक्टर डेवलप करती है। तो इसके बारे में आप लोगों को सबको मालूम है। ठीक है, फिर भी ध्यान रखिए डीएनए क्या है, वही डबल स्टैंडर्ड है ना, ये इस तरह से डबल स्टैंडर्ड आपका एक हम ही बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है उसको हम डीएनए बोल रहे हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के हम पोली बोलते हैं, पोली न्यूक्लियोटाइड चेन होती है इसके अंदर। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बाद में हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर डीएनए जो होता है वो डीएनए क्या होता है, कॉइल्ड होता है हिस्टोन प्रोटीन के साथ में। ठीक है, और फाइबर के फॉर्म में जो है ना, इस तरह से फाइबर के फॉर्म में हमें नजर आता है ये, जिनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। अभी हम लोगों ने ये शब्द जो है सेल साइकिल के टाइम पे बार बार लिए थे, उनको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर बोलते हैं। ये क्रोमेटिन फाइबर जब क्या होते हैं, और इनमें क्या होती है, कॉइलिंग होती है, और कॉइलिंग होने की वजह से ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं और इस तरह से डंबल शेप स्ट्रक्चर इनकी डेवलप हो जाती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम बोल रहे हैं। इसके अंदर क्या है, ये डीएनए जो है वो एक पेलिकल के आवरण से क्या रहता है, घिरा रहता है। तो इस डंबल शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमोसोम बोल रहे हैं। क्रोमोसोम के साथ में एक वर्ड और हम लोग कई बार यूज करते हैं, क्रोमेटिड। क्रोमेटिड का मतलब क्या हुआ, क्रोमेटिड का मतलब ये हुआ कि कभी कभी क्या होता है, ये जो आपका डीएनए है ये रेप्लिकेट हो जाता है। इसका एक हम ये बोल रहे हैं, अभी तो क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड जो ये आपकी एक थ्रेड है ना, हेलिकल स्ट्रक्चर है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 2 इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। जब ये रेप्लिकेट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 4। एक ने बना लिया ये हेलिकल स्ट्रक्चर और एक ने बना लिया एक और। ठीक है, तो वो दोनों ही आपके रेप्लिकेटेड डीएनए जो है ना वो इस तरह से सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो फॉर्म कर लेती है। तो एक क्रोमोसोम के अंदर इस तरीके से क्या हो सकती है,
सिस्टर क्रोमेटिड हो सकती है, और जब कोई सेल डिवाइड कर रही होती है तो हमेशा उसके अंदर ये कंडीशन जरूर होती है, क्योंकि वो एस फेस के अंदर डीएनए जो है वो डुप्लीकेट हो जाता है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिड बोल रहे हैं, ये है क्रोमेटिड, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक ही क्रोमोसोम से रिलेटेड है। एक और क्रोमोसोम होता, ठीक है, अगर एक और मैं बना लेती हूँ कि हाँ चलिए मैं एक और क्रोमोसोम बनाती हूँ, ये मैंने एक और क्रोमोसोम बनाया और इस तरह से मैं स्ट्रक्चर बना देती हूँ क्रोमोसोम की, तो ये एक और क्रोमोसोम है, तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो क्रोमोसोम की, ये जो क्रोमेटिड है, वो इसके लिए क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। अभी देखो यहां पे कुछ और शब्द भी आते हैं, जैसे कि होमोलोगस क्रोमोसोम। अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोल रहे हैं, तो होमोलोगस क्रोमोसोम को समझने से पहले हमें एक शब्द समझना पड़ेगा, जीन, या फिर हम बोल रहे हैं फैक्टर। अभी देखिए इनको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए फैक्टर क्या है, फैक्टर जो है किसी फिजिकल यूनिट को बोला है मेंडल ने, जिसकी वजह से कोई करेक्टर डेवलप हो रहा है। उसको अभी तक जीन के बारे में नॉलेज नहीं था, बट उसको ये तो मालूम ही था कि हमारे अंदर जो ये करेक्टर दिखाई दे रहे हैं कि मेरे बाल काले हैं या मेरी आंखें भूरी है, ये किसी ना किसी फैक्टर की वजह से है जो मेरे अंदर मौजूद है। तो उस फिजिकल फैक्टर को, जिसको अभी तक मालूम नहीं था कि वो जीन है, ये सब चीजों के बारे में मालूम नहीं था मेंडल को, उस फैक्टर को, मतलब कि उस पर्टिकुलर हम बोलते फिजिकल यूनिट को जो है वो मेंडल ने क्या बोला, फैक्टर बोला। तो ये वो फिजिकल यूनिट है फैक्टर, और ये जो फैक्टर है इसी को बाद में क्या बोला गया है, जीन बोला गया है। यानी कि जीन क्या है, जीन इनहेरिटेंस की यूनिट है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी कि जिसकी वजह से कोई करेक्टर जो है वो डेवलप होता है, या फिर जीन ही जो है वो क्या करता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव होता है, और जिसकी वजह से क्या होती है, पेरेंट से प्रोजेनी में वो सेम करेक्टर जो है वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है। तो जीन उस फिजिकल यूनिट को हम बोल रहे हैं, ठीक है। अभी देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम उस पेयर ऑफ क्रोमोसोम को हम बोलते हैं जिन पर सेम जीन जो है सेम लोकस पर प्रेजेंट होता है। सेम जीन का मतलब हुआ जैसे कि मेरी आंखें जो है, आंखों के कलर, आंखों का कलर जो है उसका जीन कि किस तरह का कलर डेवलप होगा, यानी कि मैंने बोला यहां पे ए जो है वो आंखों के कलर के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है, तो वो प्रेजेंट है यहां पर आंखों के कलर के लिए। सेम वैसा ही आंखों का कलर डेवलप करने के लिए जीन जो है वो प्रेजेंट हो अगर यहां पर, यानी यहां दोनों ही, ये मैंने बोल दिया ये भी कैपिटल ए है, इसकी वजह से ए ये वो जीन है जिनकी वजह से आंखों का कलर जो है वो हमें शो होता है, वो कैसा भी हो सकता है, ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ठीक है। तो इनको हमने क्या बोला है, होमोलोगस क्रोमोसोम, जिन पर सेम करेक्टर के लिए जीन प्रेजेंट होते हैं सेम लोकाई पे, यानी कि वो जगह जहां पर वो जीन प्रेजेंट है, ये जो जगह वो स्थान जहां पर वो जीन प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकस बोलते हैं, जहां पे जीन उपस्थित होता है क्रोमोसोम के अंदर, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम हमने उनको बोला जिन पर सेम करेक्टर के लिए जीन प्रेजेंट होते हैं सेम लोकस पर। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड किसको बोला, ये क्रोमेटिड इस होमोलोगस क्रोमोसोम के लिए क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, जबकि ये क्रोमेटिड आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड होती है। ये कई शब्द हैं जो बार बार यूज में आते हैं बट हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जीन आपको मालूम है, फैक्टर आपको मालूम है, एक और शब्द आता है एलील। एलील हम किसको बोलते हैं, तो देखिए एलील जो है वो हम ये बोलते हैं किसी भी करेक्टर की जो हम बोल सकते हैं कि जो वेराइटीज होती हैं, उन वेराइटीज के लिए हम एलील शब्द यूज कर लेते हैं। जैसे कि एक करेक्टर है माना कि आंखों का कलर, उसके क्या वेराइटी हो सकती है कि वो ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, या फिर ब्लू हो सकता है। तो ब्लैक को डेवलप करने वाले जीन, ब्राउन को डेवलप करने वाला जीन, या फिर ब्लू आई डेवलप करने वाला जो जीन है, इनको आपस में हम क्या बोल रहे हैं, एलील बोल रहे हैं। यानी कि कोई भी जीन जो है उसके क्या होंगे, दो पॉसिबल एलील हो सकते हैं, ठीक है, दो ही हो सकते हैं, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। एक पेयर में से एक क्रोमोसोम जो है वो हमारे पेरेंट, मतलब कि हमारी मदर से आता है, एक जो होता है वो हमारे फादर से आता है, ठीक है। तो कोई भी जीन जो होता है उसके क्या हो सकते हैं, दो पॉसिबल एलील हो सकते हैं, ठीक है, एक टाइम पे, आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम में एलील किसको बोला है, इन्हीं को, जीन की दो वैरायटी को हमने बोल दिया है एलील। शब्द समझ में आया, जैसे कि ए और ए, ये क्या है, ये एलील ही है, इनको जीन बोल रहे हैं, पर जीन की दो पॉसिबल हमें बोल रहे हैं वैरायटी है ये, कि एक जो है शायद अगर मैं इसको स्मॉल ए से शो कर देती हूँ तो मैं बोलती हूँ कैपिटल ए जो है ब्लैक आई डेवलप करने वाला जीन है, जबकि स्मॉल ए जो है वो ब्लू आई डेवलप करने वाला जीन है। तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, एलील बोल सकते हैं, कि एलील कैपिटल ए और स्मॉल ए, ठीक है, क्लियर हुआ। तो एलील ये होते हैं। इसके अलावा दो वर्ड और आएंगे, जीनोटाइप और फिनोटाइप। इसके अंदर कई शब्द यूज होते हैं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। किसको बोलोगे भाई जीनोटाइप और किसको बोलोगे फिनोटाइप,
जीनोटाइप का मतलब होता है एक रेशियो जिससे हमें किसी भी जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नॉलेज हो, यानी कि वो किस तरह का जीन है उसके बारे में पता हो। जैसे कि फॉर द एग्जाम्पल कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ये जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा है ना, ये बता रहा है कि इसके अंदर किस तरह के जीन है, एक कैपिटल ए जीन है एक स्मॉल ए जीन प्रेजेंट है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। फिनोटाइप यानी बाहर से किस तरह का नजर हो रहा है, वो रेशियो जो बाहर से करेक्टर जो शो हो रहे हैं वो शो बताता है, जैसे कि आंखों का कलर ब्लैक है या फिर जो बाल जो है वो कैसे हैं, वो ब्लैक कलर के हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, तो ये जो इसका जो रेशियो डेवलप होता है जो पता चलता है हमें जिससे, उसको हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो। यानी कि मोर्फोलॉजिकल अपीयरेंस का जो रेशियो बताया जाता है उसको फिनोटाइप बोलेंगे, और जो जेनेटिकल कॉन्स्टिट्यूशन का जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप रेशियो बोलेंगे। तो ये शब्द हमारे आगे जब हम पढ़ते जाएंगे तो क्लियर होते जाएंगे। तो अभी के लिए कुछ छोटी मोटी जो हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी है, इनको हम बाद में वापस से और क्लियर करते रहेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, थोड़ी पिक्चर आप लोगों के दिमाग में क्लियर हुई होगी। नाउ द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल ने जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट पे, कौन से प्लांट पे, पी प्लांट पे, पर पी की भी कई वैरायटी है याद रखिए, गार्डन पी के ऊपर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को किए हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो कैरेक्टर्स उन्होंने लिए थे वो लिए थे 7 ऑब्लिकेट कैरेक्टर्स, ठीक है, और वो कौन कौन से, सॉरी ऑब्लिकेट नहीं, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो उन्होंने लिए थे, और वो कौन कौन से कैरेक्टर है, तो वो थे सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉड शेप, पॉड कलर, फ्लावर पोजिशन एंड स्टेम हाइट, और उनके हमें दो दो हमें हम ये बोल रहे हैं कि उनकी वैरायटीज ली थी, जैसे कि एक जो ट्रेट है उसको हमने बोला डोमिनेंट ट्रेट और दूसरे को रिसेसिव। अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव किसे बोलते हैं, तो वो कैरेक्टर जो अपने आप को शो कर पाता है उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे, और वो कैरेक्टर जो किसी की किसी और कैरेक्टर की प्रेजेंस की वजह से अपने आप को शो नहीं कर पाते या जो छिप जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, रिसेसिव। डोमिनेंट एंड रिसेसिव का यही मतलब होता है। तो बस वही है, राउंड एंड रिंकल ये रिसेसिव कैरेक्टर है, येलो एंड ग्रीन फॉर द सीड कलर, इस तरह से ये पूरा का पूरा डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया गया, और ये टेबल जो है वो भी आपके एनसीईआरटी में दी गई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मेंडल को तब तक नहीं मालूम था कि कौन कितने क्रोमोजोम है पी प्लांट के अंदर और कौन कौन से क्रोमोजोम पे कौन कौन से जो है वो जीन पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए प्रेजेंट है, बट बाद में हम लोगों ने जब इसकी डिस्कवरी और हुई और आगे स्टडीज हुई तो हमें अभी अभी हमें हमें मालूम है कि कौन से क्रोमोजोम नंबर पे कौन सा कैरेक्टर के लिए जीन प्रेजेंट है। तो बस वो आप याद रखिए, एक नंबर आपको याद रखना है 7, 11, 45, 44, ठीक है, इसी लाइन में याद रखिए, तो आपको याद हो जाएगा 7, 1, 1, फिर उसके बाद में 4, 5, 4, 4, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। तो 7 नंबर क्रोमोसोम पे सीड शेप के लिए, 1 नंबर क्रोमोसोम पे दोनों ही है सीड कलर एंड फ्लावर कलर, 4 पे भी ये देखो तीनों करेक्टर जो है 4 पे ही है, ठीक है, और 5 के ऊपर एक ही जो है वो आपका क्या है करेक्टर है पोर्ट कलर के लिए। देखिए तब तक मेंडल को नहीं मालूम था, मेंडल के हिसाब से 7 क्रोमोसोम होंगे शायद उस टाइम पे, तो उनको ये भी नॉलेज नहीं था कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है, हमारी सेल के अंदर क्या है क्या नहीं है, लेकिन वो उनका व्यू था कि 7 अलग अलग फिजिकल यूनिट है जो किसी भी करेक्टर को कंट्रोल कर रही है, ठीक है। बट बाद में अभी हमें मालूम है कि ये जितने भी करेक्टर थे उनके लिए जो जीन होते हैं वो अलग अलग क्रोमोजोम पे प्रेजेंट नहीं थे, बल्कि 4 क्रोमोजोम पर ही सारे के सारे करेक्टर प्रेजेंट थे जो मेंडल ने लिए थे, ठीक है। तो ये तो अभी हमें मालूम है, मेंडल को ये सब नॉलेज नहीं था। आपको ये चार्ट अच्छे से याद रखना है, एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर उसके बाद में आ जाते हैं स्टेप्स की कैसे उन्होंने मतलब कि पी प्लांट को लिया, पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। देखिए मेंडल जो था, मेंडल ने पी प्लांट को इसलिए चूज किया, रीजन क्या था, क्योंकि मेंडल जो है पी प्लांट जो है वो बहुत हम ये बोलते हैं एक तो बाइसेक्सुअल है, मेल एंड फीमेल जो है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं ईमस्कुलेशन के थ्रू, एंड सेल्फ पॉलिनेशन भी ईजी था। फिर ये प्लांट जो हर्बेशियस प्लांट होता है, बहुत छोटे से एरिया में बहुत ज्यादा प्लांट जो है वो ग्रो कर जाते हैं, हाइट भी इनकी इतनी भी बड़ी बड़ी ट्रीज जैसी नहीं है, हर्बेशियस प्लांट आपको मालूम है कि स्मॉल हाइट प्लांट होते हैं, तो उनको ग्रो करना बहुत ही आसान था, एक ही साल में 2 जनरेशन उनको जनरेशन हमें मिल रही है, इजी वे में जनरेशन भी मिल रही थी, तो पी प्लांट जो है उनकी इतनी खूबियों की वजह से मेंडल ने उसको चूज कर लिया, एक रीजन तो ये था। और दूसरा मेंडल के साथ में एक वो लकी वर्ड तो हमारे यूज होता है, लकी एंड अनलकी दोनों ही कंडीशन, क्योंकि मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए तो वो जब तक जीवित रहे तब तक तो उनको उसका क्रेडिट नहीं मिला, उसके बाद में मिला, बट सबसे बड़ी बात कि इतने लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे बट उसमें भी मेंडल सक्सेसफुल हुए, और सक्सेसफुल क्यों हुए, क्योंकि एक तो उन्होंने जितने भी अपने डाटास थे ना उनको स्टेटिकली मैथमेटिकली प्रूव किया था, क्योंकि वो थे भी मैथमेटिक्स के टीचर ही, ठीक है, ऑस्ट्रिया के अंदर एक मॉन्क थे, ये सारी हिस्ट्री आप लोग मेंडल के बारे में पढ़ते हैं। चलिए अभी देखिए उन्होंने कैसे क्रॉस किया, पी प्लांट को लिया, उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन करवाया,
तो एक जो फ्लावर है उसका इमस्कुलेशन किया यानी एंथर को रिमूव कर दिया, अभी वो फीमेल फ्लावर है, और एक जो फ्लावर है उसके पॉलन ग्रेन्स को इसके ऊपर छिड़का, छिड़कने से उनको क्या हुआ कि नई जनरेशन जो है वो सीड्स मिले, और वो सीड्स को जब उन्होंने ग्रो किया तो उनको प्रोजेनीज जो है वो मिल गए। तो ये सिंपल स्टेप थे इमस्कुलेशन के थ्रू, उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, और सेल्फ पॉलिनेशन तो नॉर्मल वो ईजी भी है पी प्लांट में, तो वो हो पाया उनमें। चलिए उसके बाद में सबसे पहले आ जाते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, कि एक करेक्टर को लेकर अगर हम क्रॉस करवाते हैं तो वो किस तरह से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मूव करता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी मेंडल ने जब अपने एक्सपेरिमेंट किए तो सबसे पहले एक ही करेक्टर पे ध्यान रखा। ठीक है, और जैसे कि आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन है, हम उसी करेक्टर को लेके चलेंगे। प्लांट की हाइट, प्लांट की हाइट दो तरह की हो सकती है उनके अंदर, या तो प्लांट टॉल हो सकते हैं या फिर ड्वार्फ हो सकते हैं। ठीक है, अब चेक करने के लिए मेंडल ने कि किस तरह से करेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए पेरेंटल पेरेंट्स जो लिए हैं उनमें उन्होंने लिए टॉल प्लांट एंड ड्वार्फ प्लांट लिए, उन दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया, ठीक है, ये क्या था क्रॉस पॉलिनेशन उनके अंदर किया, तो उनको जितने भी प्लांट्स मिले वो सारे के सारे क्या थे, टॉल थे, और इस जनरेशन को उन्होंने क्या बोला, F1 जनरेशन। तो फिलियल एक वर्ड आता है, तो ये है फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, फिर जो ये टॉल प्लांट है, क्योंकि सारे के सारे उनको टॉल मिले तो उन्होंने क्या करवाया, उनका सेल्फ पॉलिनेशन ही करवा दिया। सेल्फ पॉलिनेशन जब करवाया तो उनको क्या मिला, उनको मिला कि इनमें टॉल प्लांट भी आए जो कि पेरेंटल थे जैसे, और ड्वार्फ प्लांट जो है वो भी डेवलप हुए, वो भी पेरेंट्स थे, मतलब कि जो सबसे पहले स्टार्ट जहां से किया था उसी जनरेशन को पेरेंटल जनरेशन बोलते हैं। तो वो जो पेरेंटल जो कॉम्बिनेशन था टॉल एंड ड्वार्फ का, वो उनको टॉल एंड ड्वार्फ यहां पे भी मिल गए। इस जनरेशन को F2 जनरेशन बोला, फिलियल सेकंड इसको बोला उन्होंने। ठीक है, तो यहां पर वापस से देखो F1 जनरेशन में ड्वार्फ उड़ गए और ये वापस से ड्वार्फ प्लांट जो है वो यहां पर वापस से आ गए। तो जैसे ये आए तो मेंडल के दिमाग के अंदर आया कि आखिर ये हुआ कैसे। तो मेंडल को क्या लगा, मेंडल को लगा कि शायद ये जो करेक्टर है वो किसी एक फैक्टर से कंट्रोल हो रहा है, जिसको उन्होंने बोल दिया कैपिटल टी। ठीक है, और फिर उन्होंने बोला कि शायद ये करेक्टर को कंट्रोल करने वाली एक और यूनिट है, फिजिकल यूनिट फैक्टर जिसको बोल रहे हैं, वो होगा स्मॉल टी। ठीक है, जब उनको ये पता चला तो देखिए अगर ये कैपिटल टी है, यहां से ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है, तो अगर ये दोनों करेक्टर आ रहे हैं तो ये दोनों अपने आप को शो नहीं कर रहे, लेकिन एक अपने आप को शो कर पा रहा है। ठीक है, जो अपने आप को शो कर पा रहा है तो उसको उन्होंने क्या बोल दिया, डोमिनेंट करेक्टर बोल दिया। उन्होंने बोला कि ये शायद करेक्टर डोमिनेंट रहा होगा, इसी वजह से क्या हुआ ये अपने आप को डेवलप कर पाया, शो कर पाया। ठीक है, तो यहां पे ही आया लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि मेंडल ने बताया था कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो करेक्टर डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट करेक्टर बोलते हैं, जो करेक्टर अपने आप को शो नहीं कर पाता उसको हम रिसेसिव करेक्टर बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से यहां पर देखो ड्वार्फ प्लांट वापस से डेवलप हो गए, तो उनको लगा क्या कि एक जो करेक्टर है उसके लिए क्या है, शायद क्या है यहां पे दो एलील प्रेजेंट है, यानी एक जीन के दो एलील प्रेजेंट है, तभी ऐसी कंडीशन डेवलप हो पाएगी। कैसे, देखिए टॉल प्लांट जो है वो है कैपिटल टी एंड ड्वार्फ जो है वो है स्मॉल टी स्मॉल टी। अभी देखिए यहां पे जो उन्होंने पेरेंट लिए हैं वो प्योर लाइन करेक्ट प्योर लाइन लिए, प्योर लाइन का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने एक प्लांट लिया टॉल और उसके कई जनरेशन तक सेल्फिंग करवाई। ठीक है, तो बार बार सेल्फ पोलिनेशन से क्या हुआ कि वो करेक्टर जो है वो फिक्स हो गया। अब जितनी बार भी आप उसका सेल्फ पोलिनेशन करवाते जाइए, हर बार प्लांट जो है वो टॉल ही आ रहा है, यानी कि ये पेरेंट जो है वो अपने करेक्टर के लिए क्या हो गया, प्योर। कभी भी इस पेरेंट का सेल्फ पोलिनेशन करवाया जाएगा ड्वार्फ डेवलप नहीं होगा। इस वजह से देखो इसको कैपिटल टी एंड कैपिटल टी ही बोल दिया। पॉसिबिलिटीज के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स थे ना, उन्होंने क्या बोला, एक सिक्का है। ठीक है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक तरफ हेड होता है और एक तरफ टेल होता है। ठीक है, अगर आप उसको उछालते हो तो 50-50% चांस रहते हैं हेड आने के और टेल आने के। लेकिन अगर कोई एक ऐसा सिक्का लिया जाए जिसके दोनों तरफ ही क्या हो, हेड हो, तो आप कितनी बार भी उछालते जाओ हर बार हेड ही आएगा, यानी वो सिक्का अपने करेक्टर के लिए क्या हो गया, प्योर हो गया। तो वही चीज मेंडल ने भी किए, प्योर करेक्टर जो है वो डेवलप करवा दिया, सेल्फ पोलिनेशन करवा के, और वो पेरेंट लिया, यानी दोनों ही साइड में क्या है, कैपिटल टी। तो अपने वही मैथमेटिकल आइडिया अपनाया और बताया क्या यहां पे कैपिटल टी है। ड्वार्फ को भी प्योर लाइन लिया, यानी कि हर बार सेल्फ पोलिनेशन करवाते करवाते अब ड्वार्फ प्लांट ही डेवलप हो रहे थे, यानी कि वही सोच लिए सिक्के के दोनों तरफ क्या है, टेल ही है, जैसे जब भी उछालोगे तो हर बार क्या आएगा, वही आएगा। तो स्मॉल टी लिया। अभी क्या है, अभी देखो गैमेट्स बन रहे होंगे जितनी बार भी, तो हम बोल सकते हैं कि वो कैसे बन रहे होंगे, ये हमेशा प्योर गैमेट बन रहे हैं टी टी, और यहां पे स्मॉल टी स्मॉल टी। अब एक करेक्टर जो है वो आ रहा है किससे,
एग के थ्रू जो है वो जीन आ रहा है, दूसरा जीन जो है वो स्पर्म के थ्रू आ रहा है, ये हमारे अंदर होता है ह्यूमन बींग्स में। और अगर प्लांट की बात करेंगे तो उसके अंदर सेम कंडीशन यही है कि एक जो है वो पोलन ग्रेन से आ रहा है और दूसरा जो करेक्टर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है आपके ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट एग से। ठीक है, अभी तो आपको पूरी की पूरी साइंस जो है उसके बारे में नॉलेज है, ठीक है, तो उसको आप इमेजिन कर सकते हो। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, डोमिनेंट करेक्टर डेवलप हुआ, रिसेसिव जो है छुप गया। अभी सेल्फिंग करवाई, तो अभी देखो अगर मैं दो सिक्के उछालती हूँ एक साथ, हेड एंड टेल, तो देखिए हेड की हेड के साथ में आने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, हेड की हेड के साथ में आने की पॉसिबिलिटी 1/4। उसके बाद में टेल की टेल के साथ में आने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है 1/4। हेड की टेल के साथ में आने की पॉसिबिलिटी है ना, ये तो पॉसिबिलिटी वाला है ही सिक्का ना, एक सिक्का है उसके हेड एंड टेल है, दूसरे के भी क्या है हेड एंड टेल है, ये इसको 2-2 लिख देते हैं। अब इसकी इसके साथ आने की पॉसिबिलिटी कितनी होती है 1/4, इसकी हेड की इसके साथ में आने की पॉसिबिलिटी कितनी है 1/4, इस टेल की इसके साथ में आने की पॉसिबिलिटी कितनी है टी 1/4, और इसकी आपस में आने की पॉसिबिलिटी कितनी है आपकी 1/4। अगर इनको अगर हम कंबाइंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/2, और ये है 1/4 एंड ये है 1/4। ठीक है, तो वैसा ही लॉजिक लगवाया किसने, मेंडल ने भी। तो यहां पे उनको रेशो क्या मिला, वही मिला है आपको, देखो 1/4, 1/2, 1/4, यानी रेशो क्या आया यहां पे, अगर हम जीनोटाइप देखें तो क्या आएगा 1:2:1, लेकिन अगर ऊपर से अगर हम लोग देखते हैं तो रेशो क्या है, तीन तो क्या है टॉल प्लांट है और एक क्या है ड्वार्फ प्लांट है, बट ये रेशो जो ये आ रहा है ये एग्जैक्टली ऐसा ही रहा होगा। इसके लिए मेंडल ने क्या करवाया, टेस्ट क्रॉस करवाया। टेस्ट क्रॉस कैसे करवाया जाता है, किसी भी पेरेंट का अगर अपने किसी रिसेसिव, जो उनका रिसेसिव पेरेंट है, सॉरी, अगर जो न्यूली डेवलप प्रोजेनी है उस प्रोजेनी का अगर अपने रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस करवाया जाता है तो वो रेशो देखा जाता है। तो वो रेशो पे डिपेंड करता है कि वो अपने करेक्टर के लिए प्योर है कि नहीं है। चलिए वो इस स्लाइड के अंदर आप लोग देखिए, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में अगर क्रॉस करवाया जाता है, किसका करवाए, अगर हम लोग प्योर करेक्टर के लिए करवाते हैं WW, है ना, अगर इस प्योर टॉल के लिए अगर करवाए, या फिर कोई भी करेक्टर, जैसे कि इस के अंदर पर्टिकुलरली लिया गया है फ्लावर का कलर, कि फ्लावर का कलर कैसा है, वॉयलेट हो सकता है, और रिसेसिव अगर कंडीशन है तो वो कैसी हो सकती है, वाइट हो सकती है। ठीक है, तो अभी आप लोग देखोगे तो क्या होगा कि इसके अंदर जितने भी आए हैं सारे के सारे अपने डोमिनेंट करेक्टर को शो कर रहे हैं वॉयलेट आए हैं, इसका मतलब जो प्रोजेनी है वो अपने करेक्टर के लिए क्या है, प्योर है। लेकिन अगर हाफ ऑफ रेशो मिलता है, हाफ डोमिनेंट करेक्टर मिलते हैं और हाफ रिसेसिव करेक्टर मिलते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपने जीन के लिए प्योर नहीं है, वहां पे कैपिटल W एंड स्मॉल W ये कंडीशन प्रेजेंट है। तो इसको टेस्ट क्रॉस बोला जाता है, जीनोटाइप को देखने के लिए, प्रोजेनी के अंदर जीनोटाइप कैसा है, क्योंकि टॉल जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके अकॉर्डिंग कैपिटल W भी क्या करेगा, डोमिनेंट करेक्टर शो करेगा, कैपिटल W एंड स्मॉल W भी क्या करेगा, अपना जो डोमिनेंट करेक्टर है उसको शो करेगा। तो उसके लिए टेस्ट क्रॉस करवाया जाता है। तो जैसे ही मेंडल ने टेस्ट क्रॉस करवाया उसका रिजल्ट पॉजिटिव निकला और उसको समझ में आ गया क्या कि भाई ऐसा ही हो रहा है, जैसे कि हम बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी वाला जो रेशो चलता है उसी तरीके से ये करेक्टर जो है वो मूव कर रहे हैं। सेम चीज उन्होंने बाइनोमियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी एक्सप्लेन करी तो उनको पता चला कि रेशो वही निकल के आता है जीनोटाइप का 1:2:1। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो आपकी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है, क्लियर कट इसी चीज को समझाया गया, अगर आप अच्छे से समझेंगे तो शायद समझ पाएंगे। चलिए देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस ने हमें क्या चीज दी, लॉ ऑफ डोमिनेंस ने हमें दो लॉज दिए हैं, ठीक है। एक्चुअल में इनको ये जो दिया गया है, जो हम ये बोलते हैं पिक्चर प्रोवाइड की है लॉ की, ये मेंडल ने खुद ने नहीं दी थी, मेंडल ने तो केवल अपने एक्सपेरिमेंट किया और अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करवाया था, लेकिन तीन साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंडिविजुअली वापस से मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट है उनकी स्टडी की और उनको फिर क्या किया, इनको प्रेजेंट किया। अब आपको मालूम है कौन कौन है वो, कॉल्ड कॉरेंस, वॉन शेयरमार्क, ठीक है, हुगो डी ब्रिज, ये तीन ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनके मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स पे स्टडी की और उनको एक इस तरह की बोलते हैं ना पिक्चर में हमारे सामने प्रेजेंट किया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बोल के, ठीक है। चलिए, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें क्या बोलता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें ये बोलता है कि वो करेक्टर जो अपने आप को शो कर पाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोमिनेंट, और जो करेक्टर किसी से क्या हो जाता है, अपने आप को शो नहीं कर पाता, उसको हम बोलते हैं रिसेसिव। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट करेक्टर ही क्या होगा, डेवलप होगा, लेकिन ये करेक्टर जो है ये जो लॉ है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, क्योंकि इसके लिए हमारे पास में एक्सेप्शन है, ठीक है। दूसरा जो लॉ आता है वो लॉ आया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, ठीक है।
ये जो लॉ है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, इसके लिए कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि कोई भी करेक्टर के लिए जो जीन है वो हमेशा क्या होता है, बिना किसी मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग के इंडिविजुअली क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे आगे मूव करता है। फॉर द एग्जाम्पल समझिए कि जैसे कि कोई टॉल प्लांट है, तो इसके अंदर क्या है, अपने अंदर टॉल करेक्टर को डेवलप करने के लिए एक जीन के लिए क्या है, दो एलील प्रेजेंट है, कैपिटल टी। बट जब गैमेट बनेंगे तो हाफ गैमेट तो ऐसे होंगे जिनमें ये कैपिटल टी है, दूसरे में हाफ में क्या है, ये कैपिटल टी है। अभी देखो ये क्या हो रहे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन इसी तरीके से क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। यानी कि हर गैमेट जो है उसके अंदर क्या होगा, अपने करेक्टर के लिए एक ही मतलब एलील प्रेजेंट होगा, यानी कि एक जीन का एक ही एलील उसके अंदर आएगा, दूसरा एलील दूसरे गैमेट में जाएगा। तो हम ये बोलते हैं कि उसके अंदर दोनों एलील एक साथ नहीं आ सकते, यानी कि इस गैमेट के अंदर ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी दोनों ही आ गए। तो इसको बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट। अगर इस कंडीशन को दूसरा वैसे लिखना चाहे तो ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी है, तो इससे जो गैमेट्स बनेंगे वो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इस प्रकार के गैमेट बनेंगे, हमेशा अपने कैरेक्टर के लिए प्योर होंगे। ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी एक ही जीन के दोनों एलील एक ही गैमेट के अंदर चले गए, नहीं, हमेशा एक जीन का एक एलील ही एक गैमेट में जाएगा, दूसरे गैमेट के अंदर दूसरे तरह का एलील जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन रहती है, तो इसको हम बोलते हैं प्योरिटी ऑफ गैमेट, या फिर हम ये बोल सकते हैं इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो एक जीन के दो एलील के बारे में है, विदाउट मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग वो आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट। फिर हमने बोला कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके हमारे पास में क्या है, एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, देखिए सबसे पहला आ जाता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। मिराबिलिस जलापा के अंदर जब एक्सपेरिमेंट किया गया कि रेड फ्लावर का व्हाइट फ्लावर के साथ में क्रॉस करवाया, तो F1 जनरेशन में जहां रेड कलर के फ्लावर डेवलप होने चाहिए थे वहां पे पिंक कलर के फ्लावर आ गए, फिर उनका सेल्फिंग करवाया वैसे ही जैसे मेंडल के एक्सपेरिमेंट हुए हैं, तो रेशो जो आया वो कैसा आया, तो अलग आया थोड़ा, रेशो ये आया है कि रेड पिंक एंड व्हाइट। मॉर्फोलॉजिकली अगर हम लोग देखें इसका फिनोटिपिक रेशो जो आ रहा है वो कैसा आना चाहिए, 3:1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ रेशो आ रहा है 1:2:1, जैसा कि जीनोटिपिक रेशो इनका है। ठीक है, तो ये जो नए तरह का रेशो डेवलप हो रहा है इसको हमने क्या बोला है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, अब ये देखो डोमिनेंसी होती कैसे है, तो ये चीज भी कैसे पैदा हुई होगी, देखिए मैंने आपको बोला अभी तो आप चीजों को समझ सकते हैं, मेंडल के टाइम पे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अभी तो पूरा साइंस आगे मूव कर गया। अभी आपको मालूम है कि हमारे अंदर क्या है, जीन प्रेजेंट है, और ये जीन्स जो है वो किसी एक पर्टिकुलर तरह के अमीनो एसिड को, प्रोटीन को, या किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम जो होता है उसको कोड करता है, और वो एंजाइम ही क्या करवाता है, किसी भी कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए किसी भी तरह की प्रोटीन को फॉर्म भी कर सकता है। तो किस तरह का एंजाइम बन रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी बायोकेमिकल पाथवेज हैं हमारी बॉडी हमारी सेल के अंदर वो सारे के सारे एंजाइम मीडिएट ही है। ठीक है, तो एंजाइम जो है वो किस तरह का बन रहा है उस पर कैरेक्टर का डेवलपमेंट होना बहुत ही ज्यादा हम ये बोलते हैं उस पर बेस्ड रहता है। कैसे, समझिए कि कोई एक कैरेक्टर है, ठीक है, अब ये कैरेक्टर जो है ये डेवलप तब होगा जब इसको चाहिए होगी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन, और ये प्रोटीन तभी बन पाएगी जब इसको चाहिएगी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम, और ये एंजाइम जो है उसको कौन बनाता है, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जीन। इतना समझ में आया, चलिए समझने के लिए, तो अगर कोई जीन का एलील है वो क्या बनाता है, एक हम ये बोल सकते हैं कि एफिशियंट एंजाइम बनाता है, एक हम ये बोल रहे वो एंजाइम बनाता है जिसकी वजह से ये करेक्टर डेवलप हो पाता है। तो एक एंजाइम, या तो ये कंडीशन हुई कि इस तरह का एंजाइम बने, दूसरी कंडीशन हुई एंजाइम तो ये बने लेकिन नॉन फंक्शनल हो, यानी कि वो इस तरह का ये पूरा पाथवे ही कंप्लीट नहीं करवा पाए जिसकी वजह से ये करेक्टर डेवलप ही नहीं होगा। तो नॉन फंक्शनल एंजाइम जो है वो डेवलप करे, या फिर कोई एंजाइम डेवलप ही ना करे, तो ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अब लॉ ऑफ डोमिनेंस को समझिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस कैसे हुआ का? मान लीजिए कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी ने क्या किया होगा, उस एफिशिएंट एंजाइम को बनाया होगा जिसकी वजह से वो कैरेक्टर डेवलप हो पाया। स्मॉल टी के अंदर क्या हुआ होगा, स्मॉल टी के अंदर कंडीशन ये आई होगी, या तो उसने एंजाइम बनाया होगा बट वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को डेवलप नहीं कर पाया होगा, या फिर उसने एंजाइम ही नहीं बनाया होगा जिसकी वजह से क्या हुआ होगा कि वो कैरेक्टर डेवलप नहीं हुआ, ये कंडीशन हुई है। ठीक है, अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर इस चीज को समझिए, कैसे समझेंगे, समझने के लिए बात यह है कि जैसे कि आपके घर के अंदर आपके दो भाई हैं, एक भाई जो है वो डोमिनेंट क्यों है, वो डोमिनेंट तब है वो बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत गुस्सा करता है, पर उसकी चलती नहीं, इतनी डोमिनेंसी क्यों चल पाती है, क्योंकि छोटा वाला भाई जो है वो चुप ही रहता है, वो चुप रहता है इसी वजह से उसकी क्या है, डोमिनेंसी चलती है। बट द कंडीशन कि अगर छोटा वाला भाई भी अगर बोलने लगे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इतना बोलने लगे कि उसकी डोमिनेंसी जो है वो कम हो जाए, है ना, इतना ही बोले बोले पर इतना भी ज्यादा नहीं बोले कि खुद डोमिनेंट कैरेक्टर की
तरह बिहेव करे, मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि वो इतना बोले कि उसकी वजह से जो बड़ा भाई है उसकी डोमिनेंसी जो है वो थोड़ी कम हो जाए, सामने बोलेगा तो उसका वो भी अपना इतना डोमिनेंसी शो नहीं कर पाएगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो डेवलप होगा, यानी फिर अभी भी वो डोमिनेंट ही है, करेक्टर अपना डोमिनेंट डेवलप कर सकता है इंडिविजुअल, लेकिन अगर रिसेसिव उसके साथ में आता है इस कंडीशन के अंदर क्या हो जाती है कि उसकी डोमिनेंसी थोड़ी कम हो जाती है। अगर छोटा वाला भाई नहीं है उस कंडीशन में तो वो अपने आप को डोमिनेंट शो कर देता है, लेकिन जैसे छोटा वाला भाई आएगा तो वो बोलेगा तो उसकी डोमिनेंसी क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसी सी चीज हुई होगी कब, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर। समझने के लिए एग्जांपल में समझाया, रेड कलर डेवलप हुआ जब क्या थे, डोमिनेंट करेक्टर ही था, जैसे ही रिसेसिव जीवन उसके साथ में आया तो क्या हो गया, उसने उसकी डोमिनेंसी को कम कर दिया, इस वजह से क्या हुआ, पिंक कलर लेस डोमिनेंट करेक्टर डेवलप हो गया, एंड जब रिसेसिव है क्योंकि वो चुप रहने की उसको आदत ही है तो इस वजह से क्या हुआ, उसका रिसेसिव करेक्टर डेवलप हो गया, चुप रहना, तो यहां पे वो रिसेसिव करेक्टर क्या है, व्हाइट है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या हुआ कि या तो वो क्या करता है, रिसेसिव जीन जो है वो डोमिनेंट जीन के उसके करेक्टर को क्या कर देता है, कम कर देता है, उसकी डोमिनेंसी को कम कर देता है। ठीक है, तो ये हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, पहली चीज। दूसरा इसका एक्सेप्शन जो आता है वो आता है को डोमिनेंस। सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारे अंदर ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप जो है हमारे अंदर कितने तरह के होते हैं, चार तरह के होते हैं, ठीक है, ए बी, ए बी और ओ, ठीक है, और इनको कोड करने के लिए तीन तरह के क्या होते हैं, एलील होते हैं। वो एलील कौन कौन से हैं, उसके लिए जो एलील आते हैं वो एक तो आता है आपका क्या, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ठीक है, ये तीन तरह के हैं। लेकिन ये क्या है, ए और बी दोनों ही डोमिनेंट है, ये अपने आप को पूरी तरीके से शो कर सकते हैं, तो जब भी ये दोनों एलील एक साथ में आएंगे तो क्या होगा, दोनों अपने आप को शो करेंगे, इस वजह से ब्लड ग्रुप जो है डेवलप होगा क्या, ए बी, यानी दोनों ही स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम को बनाते हैं जिसकी वजह से दोनों ही अपने उस एंजाइम से निकल जो करेक्टर डेवलप होता है उसको कर पाते हैं, और वो इस वजह से क्या है, दोनों अपने आप को शो कर पाते हैं, इसी को हमने क्या बोला है, कोडोमिनेंस बोला है। ठीक है, तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो कोडोमिनेंस हो रहा है, और वैसे अगर ये पूरा का पूरा चार्ट अगर आप देखोगे तो ये मल्टीपल एलील का एग्जांपल है, क्योंकि एक जीन के हम लोगों ने बोला कि दो पॉसिबल वैरायटीज हो सकती है, ठीक है, बट यहां पे आपको देखने को मिलेगी कि एक जीन की तीन एलील प्रेजेंट है, तीन तरह के एलील है, तो इसको हम मल्टीपल एलील बोलते हैं। क्वेश्चन ये आ जाता है, क्या हमारे अंदर मल्टीपल एलील प्रेजेंट है, मेरे अंदर मल्टीपल एलील प्रेजेंट है तो मैं क्या बोलूंगी, नहीं, मेरे अंदर मल्टीपल एलील नहीं है, क्योंकि मेरे पास में एक जीन के दो ही एलील आ सकते हैं, एक एलील मेरे मदर से आएगा और एक मेरे फादर से आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, यानी कि मैं बैठी हूं वहां पे और फर्ज कर लिया आप भी मेरे साथ ही बैठे हैं, तो हम सब में अगर मैं कंबाइंड पॉपुलेशन की बात करूंगी तो क्या हमारे अंदर मल्टीपल एलील प्रेजेंट है, तो मैं बोल सकती हूँ यस। क्यों? क्योंकि हो सकता है मे बी मेरे अंदर आई ए और आई बी है, को डोमिनेंस ए बी ब्लड ग्रुप है मेरा, पर हो सकता है मे बी आपका ओ ब्लड ग्रुप हो, तो आपके अंदर जो है अलग तरह का जो है एलील प्रेजेंट है, स्मॉल आई, राइट, वो आपके अंदर एलील प्रेजेंट है, तो ये कंडीशन हो गई तो हम पॉपुलेशन में बोल सकते हैं कि मल्टीपल एलील प्रेजेंट है, बट इंडिविजुअल के अंदर मल्टीपल एलील प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई मल्टीपल एलील मैंने बता ही दिया है, नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप कितने बन सकते हैं उसके लिए एक फॉर्मूला है एन, एन प्लस वन बाई टू, इससे आप क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ एलील जो है वो निकाल सकते हो, जैसे कि ब्लड ग्रुप जो है उसके अंदर कितने एलील होते हैं, तीन एलील होते हैं, तो ये आप लोग निकाल पाओगे। कुछ और है क्रॉसेस के बारे में, जैसे कि टेस्ट क्रॉस किसको बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस का मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोजेनी जो है उसका जीनोटाइप जानने के लिए हम क्या करते हैं, उसके होमोजाइगस रिसेसिव के साथ में उसका क्रॉस करवाते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि उसका जीनोटाइप क्या है। अगर इस क्रॉस का रिजल्ट ये आता है कि सारे के सारे जो है वो डोमिनेंट करेक्टर वाले हैं, इसका मतलब प्रोजेनी अपने जीन के लिए क्या है, प्योर है, उसके अंदर दोनों ही जो होंगे डोमिनेंट एलील जो है वो प्रेजेंट होंगे। बट अगर ये रेशियो 1:1 का आता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो डोमिनेंट करेक्टर तो शो कर रहा है बट उसके पास में रिसेसिव एलील जो है वो भी है। ठीक है, तो ये हो गया टेस्ट क्रॉस। फिर उसके बाद में हम बात कर रहे हैं आउटक्रॉस की। आउटक्रॉस का मतलब क्या हो गया, कोई भी इंडिविजुअल है उसको होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट के साथ में हमने अगर क्रॉस करवाया तो उसको हम आउटक्रॉस बोलेंगे। एक होता है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, ये मेल है और ये क्या है, फीमेल है। अब की बार मैंने क्या बोला, ये स्मॉल टी जो है ये हमने प्लांट जो लिया, अब की बार ये मेल लिया और ये हमने फीमेल लिया, तो इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। हम सेक्सेस को चेंज करके सेम जीनोटाइप वाले उनका बीच में हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, उसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। क्लियर, चलिए अभी आगे। फिर आ जाता है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। अभी तो क्या है, एक करेक्टर को लेके ये मूवमेंट शो किया था, जो रेशो आया था 3:1 का और 1:2:1 का, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। ठीक है, अभी देखिए इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन जो है, इसमें दो करेक्टर को लेके क्रॉस करवाया मेंडल ने, यहाँ पे राउंड एंड येलो,
जो है वो सीड लिए, जबकि यहाँ पे रिंकल्ड एंड ग्रीन, ये रिसेसिव करेक्टर है, ये डोमिनेंट करेक्टर है। ठीक है, कैसे पता लगा चला ये डोमिनेंट है ये रिसेसिव है? जब इन दोनों के बीच में क्रॉस करवाया तो सारे के सारे जो थे वो राउंड एंड येलो थे, इसका मतलब ये करेक्टर क्या है, डोमिनेंट है, तभी अपने आपको शो कर पाया। फिर उसके बाद में एफ टू जनरेशन के अंदर जब क्रॉस करवाया तो यहाँ रेशियो जो निकल के आया वो आया 9:3:3:1 का। फिनोटिपिक अगर हम लोग रेशियो देखते हैं तो वो रेशियो जो था वो कुछ इस तरीके से आया, यानी 9 तो अपने क्या थे, सारे के सारे राउंड एंड येलो, 3 जो है वो क्या थे, राउंड एंड ग्रीन, और जो बाकी के 3 है वो है येलो एंड रिंकल्ड। ठीक है, उसके बाद में लास्ट में जो बच गए 1 वो है आपका रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये रेशियो निकल के आया जब हमने क्या करवाया, 2 करेक्टर के लिए जब क्रॉस करवाया। तो यही पे एक लॉ आता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है, दो जीन, दो डिफरेंट डिफरेंट जीन जो दो डिफरेंट डिफरेंट करेक्टर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो एक दूसरे से विदाउट मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मूव करते हैं। ये हुआ तभी तो क्या हुआ, यहां पे गैमेट्स ने आपस में क्या किया, कॉम्बिनेशन बना लिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई। ठीक है, सारे के सारे गैमेट ऐसे हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई सारे गैमेट ऐसे हैं। F1 जनरेशन के अंदर ये आपका इनका जीनोटाइप है, F1 जनरेशन की प्रोजेनी का। लेकिन जब गैमेट बने तब क्या था, कैपिटल आर स्मॉल, ये जो कैपिटल आर है ये और कैपिटल वाई है, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, ये चारों ही आपस में कोई ब्लेंडिंग मिक्सिंग शो नहीं करते। पहले तो बात करो आप लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट की, अगर उसके हिसाब से देखें तो कैपिटल आर एंड स्मॉल आर ये दोनों तो आपस में कभी ब्लेंडिंग शो ही नहीं करेंगे, ये दोनों एक दूसरे से फ्रीली मूव करेंगे क्योंकि ये एक ही जीन के दो एलील है। लेकिन दो जीन के बीच में कंपेयर करें तो कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई भी क्या आपस में कोई मिक्सिंग ब्लेंडिंग शो नहीं करेगा, ये भी एक दूसरे से फ्रीली मूव कर पाएंगे। तभी तो क्या होता है, कैपिटल आर एक बार तो कैपिटल वाई के साथ में एक गैमेट फॉर्म कर रहा है, फिर एक बार कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ गैमेट फॉर्म कर रहा है, वैसे स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ में क्या कर रहा है, गैमेट फॉर्म कर रहा है। तभी तो चार तरह के यहाँ पे हमें क्या मिल रहे हैं, गैमेट मिल रहे हैं, क्योंकि दो जीन जो है उन्होंने आपस में कोई मिक्सिंग ब्लेंडिंग नहीं शो की। रेशो आया 9:3:1। बट याद रखिए ये जो रेशो, ये जो आपका है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसका भी हमारे पास में क्या है, एक्सेप्शन है, वो है लिंकेज, टीएच मॉर्गन ने जिसको हमें शो किया था लिंकेज। ठीक है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो भाई वही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट आगे, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है स्टन, ये आपको स्टन एंड बोवेरी ने जो है एक्सप्लेन की थी, जिस तरह से क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेल डिवीजन के टाइम पे जिस तरह से क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है उसी ये हम बोलते हैं गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, उसी तरीके से जीन का मूवमेंट भी होता है। ठीक है, इसी चीज को शो किया गया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर। वैसे स्टन ने ही मेंडल के एक्सपेरिमेंट को और अब क्रोमोसोमल के जो मूवमेंट है गैमेट फॉर्म के टाइम पे उसको कंबाइंड करके इस थ्योरी को लेके आए थे। ठीक है, अभी देखिए जीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा एक पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो भी हमेशा क्या होते हैं, एक पेयर में होते हैं। आपको पता है हमारे अंदर क्या है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, यानी एक जैसे दो क्रोमोसोम है, एक पेरेंट्स, एक हमारी सॉरी मम्मी से आया है और एक हमारे पापा से आया है। चलिए नाउ उसके बाद में हम ये बोल रहे हैं सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, ये जीन एक क्या हो जाते हैं, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे सेग्रीगेट हो जाते हैं, कैपिटल टी अलग जाएगा स्मॉल टी अलग जाएगा अगर पेरेंट के अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप अगर उसके अंदर है। ठीक है, फिर ये इस तरह से विदाउट ब्लेंडिंग मिक्सिंग गैमेट फॉर्म कर रहे हैं। अगर क्रोमोसोम के अंदर भी देखेंगे तो हमेशा ऐसा ही होता है कि किसी भी एक करेक्टर वाले जो हम बोल रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम जिनको हम बोल रहे हैं पेयर ऑफ क्रोमोसोम को, तो गैमेट फॉर्म के टाइम पे भी क्या होगा कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो एक गैमेट में जाएगा जबकि दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो किस में जाएगा, दूसरे गैमेट के अंदर जाएगा। होता है ना सेल डिवीजन के टाइम पे हम लोगों ने पढ़ा था होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो एनाफेज के टाइम पे क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, कब, मियोसिस फर्स्ट के अंदर। ठीक है, याद आ रहा है सेल डिवीजन के टाइम पे पढ़ा था हम लोगों ने, तो वैसे ही ये क्या है गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे होमोलोगस क्रोमोसोम भी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। फिर यही है विदाउट इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ईच अदर, सेम वही है होमोलोगस क्रोमोसोम भी क्या है इंडिपेंडेंट एक दूसरे से मूव करते हैं। ठीक है, इस चीज को एक्सप्लेन किया गया है आपकी एनसीईआरटी के अंदर, क्लियर कट मेंशन किया है दोनों ही ये इसकी कंडीशन को कि किस तरह से मूवमेंट हो रहा है। देखिए ये है आपके पास में लॉन्ग येलो एंड रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल एंड लॉन्ग एंड शॉर्ट एंड ग्रीन क्रोमोसोम। चलिए देखिए ये दो पॉसिबिलिटीज है, मैं आपको क्लियर बताती हूँ कि होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी दो करेक्टर हम लोगों ने लिए, हम डायहाइब्रिड क्रॉस को लेते हैं, अगर हमने दो करेक्टर लिए तो उन दोनों करेक्टर के लिए क्या है, ये मान लिया फर्स्ट करेक्टर के लिए क्या है
कैपिटल टी मैं बना देती हूँ। ये कैपिटल टी के लिए क्या है, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है, यानी कि ये कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी मान लीजिए, और ये जो है ये आ गया कैपिटल आर के लिए। ऐसा ही मैं बोल देती हूँ, ये कंडीशन जब डेवलप हुई तो अभी आप देखोगे जब क्या होगा, एनाफेज फर्स्ट आएगी, मियोसिस फर्स्ट की, तो दो इक्वेटोरियल प्लेट बनती है, दो इक्वेटोरियल प्लेट बनेगी तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, सेपरेट होंगे, ठीक है। ये जब होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, तो कैपिटल टी कैपिटल आर एक गैमेट में चले जाएंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर ये दूसरे गैमेट में जाएंगे। कैसे जा रहे हैं, क्योंकि सेम ये क्या हुआ, एनाफेज में सेपरेट हुए, देन जब मियोसिस सेकंड होगा तब यहां पे एनाफेज के टाइम पे अब कौन से एग्रीगेट होंगे, अभी इन्हीं क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में क्या होगी, सेपरेट होगी। तो गैमेट जो फॉर्म होंगे अगर आप उसमें देखोगे तो सबके अंदर कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर कैपिटल टी कैपिटल आर इस तरह की कंडीशन जाएगी, ठीक है। अब आप इसको चेंज करके भी बना सकते हो, है ना, कंडीशन वट एवर। अब आपको ये चीज समझ में आ गई है कि मैंने सिंपल वही एक मैं जो पी प्लांट है उसी का हम लोग करेक्टर लेके चल रहे हैं और उसी बेसिस पे आपको समझाया है, ठीक है। तो जिस तरह से क्रोमोसोम मूव करते हैं उसी तरीके से जीन भी मूव करता है, तो इसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर हुआ आप लोगों को? चलिए उसके बाद में आ जाते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। टीएच मॉर्गन ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर के ऊपर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को किए थे और वहीं से आया लिंकेज एक शब्द। लिंकेज क्या होता है? लिंकेज का मतलब ये होता है कि दो जीनों की साथ साथ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मूव करने की प्रवृत्ति, इसको हम लिंकेज बोलते हैं। और लिंकेज जो है उसकी वजह से क्या होता है, दो जीन एक दूसरे से सेपरेट अलग मूव नहीं कर पाते, ठीक है, जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन यानी कि नए कैरेक्टर डेवलप नहीं होते। थोड़े से पहुंच जाइए मियोसिस, जब मैंने आपको करवाया था और वहां क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताया था, मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होता है कि जब मियोसिस होता है और मियोसिस फर्स्ट के टाइम पे क्या होता है कि प्रोफेज के टाइम के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है, है ना, करेक्टर्स जो होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में करेक्टर्स जो होते हैं उनके लिए जो जीन होते हैं उनका आदान प्रदान हो जाता है। तो ये जो आदान प्रदान हो पा रहा है ये नहीं होगा अगर लिंकेज होगा। लिंकेज कैसे है थोड़ा समझिए, ये एक क्रोमोसोम है, मैं वही करेक्टर वापस लेके आती हूँ, कैपिटल टी एंड कैपिटल आर, यानी टॉल प्लांट है और रेड फ्लावर है, राउंड सीड है, सॉरी नॉट रेड फ्लावर है, राउंड सीड है। चलिए तो ये कैपिटल आर कैपिटल आर है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के पास पास में इतने ज्यादा है कि ये दोनों कभी एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाते। तो जब भी गैमेट फॉर्म करना होगा, ये मान लीजिए यहाँ पे स्मॉल टी एंड स्मॉल आर है, यानी कि ड्वार्फ एंड राउंड रिंकल सीड के लिए यहाँ पे जीन प्रेजेंट है, बट ये दोनों इतने पास में है कि इनके बीच में कब, जब क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट जब होगा तब इनके बीच में यहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता। चूंकि यहां क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो इस वजह से क्या है, यहां पे जो जीन है उनका आपस में चेंज होना पॉसिबल नहीं हो पाता पास पास होने की वजह से। तो हर बार क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल, यहां पे कैपिटल टी कैपिटल आर, यहां स्मॉल टी स्मॉल आर, तो गैमेट जब बनेंगे तो हर बार हर गैमेट के अंदर क्या होगा, कैपिटल टी कैपिटल आर एक साथ, कैपिटल टी कैपिटल आर एक साथ, स्मॉल टी स्मॉल आर एक साथ एंड स्मॉल टी स्मॉल आर एक साथ। इस तरह से क्या होंगे, 50% डोमिनेंट कैरेक्टर वाले और 50% रिसेसिव कैरेक्टर वाले ही गैमेट फॉर्म हो पाएंगे। कब, जब लिंकेज होगा। लिंकेज का मतलब यही होता है, कैरेक्टर आपस में एक दूसरे से फ्रीली जो है वो मूव नहीं कर पाते एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, जैसा कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बोला था। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब तो क्या हुआ, ये दोनों जीन एक दूसरे से फ्रीली मूव कर पाते हैं, तभी तो कैपिटल टी स्मॉल आर के साथ में भी गैमेट बना सकता था और कैपिटल आर जो है स्मॉल टी के साथ में भी गैमेट बना सकता था। लेकिन ये क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि इनके बीच में लिंकेज था। लिंकेज का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक प्रेजेंट होते हैं कि इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकता, उसी को हम लिंकेज बोल रहे हैं। तो डिस्टेंस जो होता है दो जीन की उपस्थिति एक क्रोमोसोम पे, वो कितने दूर है उस पे इफेक्ट करता है। तो ये जितने ज्यादा दूर होंगे उतना ही लिंकेज उनके अंदर कम होगा, बट रिकॉम्बिनेशन ज्यादा डेवलप होगा। यहां पे तो देखो पेरेंटल टाइप ही डेवलप हो गए, या तो डोमिनेंट है या फिर रिसेसिव है। नए कैरेक्टर यानी कि एक डोमिनेंट कैरेक्टर के साथ और एक रिसेसिव कैरेक्टर के साथ में गैमेट तभी फॉर्म हो पाएगा जब उनके अंदर डिस्टेंस जो है दोनों जीन के बीच में ज्यादा होगा, लिंकेज कम होगा, तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा डेवलप होगा। समझ में आई ये चीज? ये चार्ट बनाया गया है, टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला के ऊपर किया था, तो उन्होंने उसी के कैरेक्टर लिए, जैसे कि येलो एंड वाइट जो है लिया है, और यहाँ पे वाइट एंड मिनिएचर जो है वो कैरेक्टर लिए हैं उनके विंग्स के लिए, ठीक है। अभी देखो ये दोनों कैरेक्टर जो है येलो एंड वाइट, ये आप लोग अगर देखोगे तो दोनों के दोनों कितने नजदीक प्रेजेंट है,
ठीक है, चूंकि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाया, चूंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाया इस वजह से पेरेंटल टैग कितना ज्यादा डेवलप हुआ, जबकि रिकॉम्बिनेशन जो है वो कितना कम यहाँ पे क्या हुआ है, प्रेजेंट हुआ है प्रोजेनी के अंदर F2 जनरेशन में, या 98.7% पेरेंटल टैग है, या 1.3% जो है वो प्रोजेनी जो है ना रिकॉम्बिनेशन है। सेकंड क्रॉस में अगर देखोगे तो यहाँ पर क्या डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या हुआ, पेरेंटल टाइप जो है वो उसका परसेंटेज थोड़ा कम होकर रिकॉम्बिनेशन टाइप ज्यादा डेवलप हुआ। तो लिंकेज जितना कम होगा रिकॉम्बिनेशन उतना ज्यादा होगा, लिंकेज जितना ज्यादा होगा रिकॉम्बिनेशन उतना ही कम डेवलप होगा। यहीं से स्टुअर्ट एंड मॉन्ट ने क्या किया था, जीन मैपिंग की थी, जिसके बारे में हम अगले क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का मतलब है कि एक से ज्यादा जीन जो है वो किसी एक करेक्टर को कंट्रोल करते हैं, उसको पॉलीजेनिक बोलते हैं। हमारे स्किन का कलर, हमारे स्किन को कलर को करने के लिए होते हैं ABC। मान लिया ये तीन डोमिनेंट, मतलब हम ये बोले कि तीन जीन है जो क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अगर कंडीशन क्या आती है, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, यानी कि ये कंडीशन अगर रहती है, यानी कि सारे के सारे डोमिनेंट है जीन, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होगा, करेक्टर ज्यादा डेवलप होगा। करेक्टर के डेवलप होने की डिग्री यहाँ पे डिसाइड होती है, यानी बहुत ज्यादा ये जो है मिलानिन के लिए है, हमारी स्किन का कलर जो है डार्कर होगा, बहुत ज्यादा गहरा, जब सारे के सारे क्या है डोमिनेंट है। अगर ये धीरे धीरे क्या होती जा रही है, ये हम ये बोले कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल सी है, यहाँ पे स्मॉल सी अगर आ जाता है एक बार, तो वही सेम चीज एंड देन स्मॉल सी, तो एक डोमिनेंट जीन कम हुआ देन क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्या होगा, कम डार्क होगा। ऐसे करते करते अगर ये कंडीशन आ जाए स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, तो सारे रिसेसिव कैरेक्टर के जीन होने की वजह से क्या होगा, वेरी फेयर यानी वेरी लाइट कलर जो है वो डेवलप होगा, मिलानिन का डिपोजिशन बहुत कम हो जाएगा। तो मिलानिन का डिपोजिशन की जो डिग्री है वो बढ़ती है डोमिनेंट जीन की, हम ये बोल रहे हैं संख्या बढ़ने पर, और मिलानिन की डिपोजिशन की जो है वो डिग्री कम होती है जितने डोमिनेंट जीन कम होंगे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमारे अंदर प्रेजेंट होता है। फिर आ जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। हमारे अंदर ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है, सो उसके अलावा जो है हमारे हमारे अंदर अगर हम लोग बात करें तो हमारे अंदर दो एलोसोम प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं जो सेक्स का डिटरमाइन करते हैं कि मेल होगा या फिर फीमेल होगा, ठीक है। तो इसके कई तरह के टाइप है, जैसे कि XX एंड XY। ऑटोसोम्स के अलावा अगर किसी के अंदर XX है तो हमेशा क्या होगा, फीमेल डेवलप होगी। अगर उसके अंदर XY है तो क्या होगा, मेल डेवलप होगा। इस तरह से सेक्स डिटरमिनेशन होता है कि किस तरह का उसके अंदर क्या है, एलोसोम प्रेजेंट है। एक और कंडीशन है, XY प्रेजेंट होगा तो फीमेल भी डेवलप हो सकती है और XX होगा तो मेल हो सकता है, लेकिन ये हमारे अंदर नहीं होता है, ये कंडीशन होती है बटरफ्लाई के अंदर। यानी ऑटोसोम्स के अलावा अगर XY उसके अंदर क्रोमोसोम है तो फीमेल होगी और XX अगर क्रोमोसोम है तो मेल होगा। कुछ और एग्जांपल है, मोथ, वर्टिब्रेट्स, इन सब के अंदर इस तरह से क्या होता है, सेक्स डिटरमिनेशन होता है। नाउ XX फीमेल एंड X0 मेल, ये कंडीशन जो है ये कब होगी कि ऑटोसोम्स के अलावा दो एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल आएगी, और अगर X0 है यानी कि एक सिंगल केवल एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो मेल डेवलप होगा, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये किसमें होती है, ग्रास होपर में, कॉकरोच के अंदर ये कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं XX फीमेल एंड X0 मेल। चलिए इसके अलावा आ जाते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। हमारे अंदर तो पता है हमारे अंदर 46 ऑफ क्रोमोसोम है, जिसमें 22 को हम छोड़ दें जो ऑटोसोम्स है, तो 23rd जो हमारा पेयर है XY मेल के अंदर होता है, फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को मालूम ही है, अगर इस XY यानी मेल जो है उसके अंदर दो तरह के गैमेट बनेंगे, जिसके अंदर आधों में तो क्या होगा X क्रोमोसोम, आधों में Y होगा, जबकि फीमेल जो है वो सारे के सारे एक ही तरह के गैमेट बनाएगी, सबके अंदर X क्रोमोसोम ही होगा। कॉम्बिनेशन प्रेजेंट कब होता है, जब एक्स का एक्स के साथ में किया तो XX ये फीमेल डेवलप होगी, ये मेल डेवलप होगा, ये फीमेल डेवलप होगी, ये मेल डेवलप होगी। चलिए नेक्स्ट, तो जीनोटाइप ऑफ मेल एंड फीमेल इन डिफरेंट स्पीशीज। इंसेक्ट्स के अंदर जीनोटाइप जो है XX होगा तो फीमेल होगी, X0 होगा तो मेल होगा। अगर ड्रोसोफिला की बात करें और ह्यूमंस की बात करें तो XX फीमेल होती है और XY जो है मेल होता है। बर्ड्स में, फिशेस में, बटरफ्लाइज में अगर हम लोग डिस्कस करें तो WZ जो है वो फीमेल होती है और WW यानी मेल होते हैं, यानी कि इनके अंदर क्या है, होमोगैमेटिक कंडीशन है और इनके अंदर हिट्रोगैमेटिक कंडीशन डेवलप होगी, अलग अलग तरह के जो है वो गैमेट्स फॉर्म करेंगे, कौन, आपके बर्ड्स, फिशेस एंड बटरफ्लाइज। चलिए तो ये हुआ सेक्स डिटर्मिनेशन। एंड नाउ म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब यही हुआ कि अगर किसी एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से किसी भी हमें बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड के अंदर जो नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस होती है उस सीक्वेंस में कोई चेंज आ जाए या कोई जीन जो है वो डिलीट हो जाए या नया इंसर्ट हो जाए जिसकी वजह से नया कैरेक्टर डेवलप हो जाए, उन सबको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, जिसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।
यहां पर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम इसको स्किप कर रहे हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट आ जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर पेडिग्री एनालिसिस। कुछ ऐसे डिसऑर्डर हैं जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ये जेनेटिकल डिसऑर्डर है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मूव होते हैं, ठीक है। लेकिन ये किस तरह से मूव होते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पेडिग्री चार्ट को पढ़ना पड़ता है, जिससे हम लोग बता सकते हैं कि किस तरह का डिसऑर्डर है, कहाँ से आया है, इसका कैरियर कौन है, इस सब चीज़ के बारे में, ठीक है। तो पेडिग्री एनालिसिस के लिए चार्ट बनाए जाते हैं, पेडिग्री चार्ट, उसके लिए कुछ सिंबल यूज किए जाते हैं जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। जैसे आप इन सिंबल्स को देखते हैं आप समझ जाते हैं कि वो मेल है या फीमेल है, जैसे कि स्क्वायर है मेल है, राउंड है तो फीमेल है, ठीक है। और सेक्स अनस्पेसिफाइड है अगर वो क्या है आपका, हम ये बोल रहे हैं कि इस तरह से कौन सा शेप बोलेंगे इसको, ये जो स्क्वायर है उसी को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया इन्होंने, ठीक है। चलिए सॉरी चलिए तो पेडिग्री एनालिसिस आप किस तरह से कर सकते हैं, देखिए पेडिग्री एनालिसिस जब ये जो डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो ऑटोसोम्स लिंक्ड हो सकते हैं या फिर हम ये बोल रहे हैं सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स जो है उनसे लिंक ये डिसऑर्डर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट हो सकता है, ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो सकता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है, वाई लिंक्ड हो सकता है। वाई लिंक्ड के अंदर हमें कोई टेंशन नहीं है कि वाई क्रोमोसोम जब भी होगा वो क्या होगा, पर्टिकुलर डिजीज को डेवलप करेगा ही करेगा, तो यहां तो कोई हेडेक ही नहीं है। हेडेक जो आती है वो हमारे यहां आती है चार्ट को समझने के अंदर। तो सबसे पहले समझिए ऑटोसोमल डोमिनेंट अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसके लिए चार्ट जो बनेगा उसमें दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, आप कैसे समझेंगे। तो देखिए पहली कंडीशन तो ये होती है कि अगर वो डिजीज ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो हर जनरेशन के अंदर कोई ना कोई ऐसा जो है मेंबर फैमिली का ऐसा जरूर होगा जिसके अंदर वो डिजीज होगी ही होगी। तो चार्ट अगर आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो देख लेना कि हर जनरेशन में अगर एक अफेक्टेड आ रहा है तो इसका मतलब वो जो डिजीज है वो कसी है, वो ऑटोसोमल डोमिनेंट है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये आती है कि जरूरी नहीं है, मतलब कि ये जो आ रही है कि जो दो अफेक्टेड जो पेरेंट है उनसे हमेशा अफेक्टेड चाइल्ड पैदा हुई हो, अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है पेरेंट्स के अंदर करेक्टर वो पर्टिकुलर डिजीज है हो सकती है, लेकिन उनका जो चाइल्ड है उसके अंदर भी वो डिजीज प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं है अगर ऑटोसोमल डोमिनेंट है तो, ठीक है। तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, कब किस केस के अंदर, जब ऑटोसोमल डोमिनेंट का अगर आप स्टडी कर रहे हो चार्ट के अंदर। अब ऑटोसोमल रिसेसिव है उसको आप कैसे समझेंगे, किस तरीके से आपको पता चलेगा, तो उसके अंदर ये होगा कि जब आप दो तीन जनरेशन की उसमें स्टडी कर रहे होंगे चार्ट के अंदर तो आप देखेंगे कोई ना कोई एक ऐसी जनरेशन होगी जिसके अंदर किसी को भी वो पर्टिकुलर डिजीज नहीं हुई होगी। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आप समझ जाइए कि वो क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। इसके साथ में ऐसा है कि जो अनअफेक्टेड पेरेंट्स होते हैं यानी जिनके अंदर डिजीज शो नहीं हो रही है लेकिन वो ऐसी प्रोजेनी डेवलप कर सकते हैं जिसके अंदर वो पर्टिकुलर डिजीज अचानक से आ जाए, तो ऐसी कंडीशन अगर है तो वो क्या होगी, वो ऑटोसोमल रिसेसिव होगी, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाते हैं एक्स लिंक्ड ट्रेट, यानी कि एक्स लिंक्ड ट्रेट के अंदर भी डोमिनेंट की डोमिनेंट है तो आपको कैसे पता चलेगा, तो देखिए डोमिनेंट अगर करेक्टर वो होगा तो याद रखिए कि फादर जो है वो अफेक्टेड है, अगर कंडीशन ऐसी है कि फादर में, और बिल्कुल फादर तो अफेक्टेड होगा ना क्योंकि वो डोमिनेंट है, एक एक्स क्रोमोसोम आते ही वो करेक्टर क्या होगा, डेवलप हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो अपनी प्रोजेनी के अंदर वो एक्स क्रोमोसोम जाएगा राइट, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसकी जितनी भी बेटियां हैं, जितनी भी हम बोल सकते हैं बेटियां जितनी भी होंगी वो सभी की सभी क्या होंगी, अफेक्टेड होगी, क्योंकि उसने अपना एक एक्स क्रोमोसोम तो अपनी बेटी के अंदर तो जाएगा ही जाएगा और उसका वो अफेक्ट हम बोलते हैं ना कि एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट ही जाएगा, तो जैसे एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट जाएगा तो वो बेटी क्या हो जाएगी, वो अफेक्टेड होगी पर्टिकुलर डिजीज से, यानी सारी बेटियां क्या होगी यहाँ पे अफेक्टेड होगी, मेल जो बेटा होगा उसमें वो जो डिजीज है वो डेवलप नहीं होगी क्योंकि ये वाई लिंक्ड नहीं है, ये एक्स लिंक्ड है, तो फादर अपना एक्स क्रोमोसोम बेटी को देता है, ठीक है। तो ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन ये है कि जो एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम जो रिसेसिव कंडीशन है, रिसेसिव अगर होगा तो उसमें क्या होगा कि जरूरी नहीं है कि वो करेक्टर जो है, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितने भी मेल होते हैं इनके अंदर ये ज्यादा कॉमन होंगी रिसेसिव वाली, क्योंकि फीमेल्स जो होंगी इनमें जब भी ये करेक्टर डेवलप होगा तो वो बड़ा ही लिथल होता है तो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये कंडीशन रहेगी अगर डोमिनेंट दोनों ही अगर हम होमोजाइगस कंडीशन के अंदर अगर वो आ रही हो कंडीशन तो, बट ये ज्यादातर मेल में ही होती है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में तभी भी कभी भी डेवलप हो जाती है, जैसे कि अगर मदर जो है हमारी उसके उसके पास में वो हम ये बोल रहे हैं कि करेक्टर है
और हमारे जो मेल है उसके अंदर अगर वो एक्स के अंदर वो क्रोमोसोम के अंदर वो अगर रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव अगर वो है, तो वो जैसे ही उसके बेटे के अंदर जाएगी तो वो बेटा क्या होगा, हर बार अफेक्टेड होगा ही होगा मदर से अगर वो ट्रांसमिट हो रहा है तो. तो इस वजह से हम क्या बोलते हैं कि जितने भी फादर हैं, फादर से ये जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर हमेशा जब उसी को जाएगी, बेटे को ही जाएगी, बेटियों के अंदर नहीं होगी. बेटियां जो है वो उसकी उसके अंदर ये होगी तो वो लीथल कंडीशन होगी, उनकी डेथ हो जाती है. तो ऐसा होगा तो आप समझ जाएंगे ये कि वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है. चलिए तो ये कुछ पॉइंट्स थे इससे रिलेटेड, आप चार्ट अगर डिस्कस करेंगे तो समझ पाएंगे. ओके, तो ये वही है सारा चार्ट और ये सब डायग्राम आपकी बुक्स के अंदर, ये पूरी टेबल बनाई गई है, इनके बारे में आप लोग वहां पे इसको स्टडी कर सकते हो. फिर आ जाते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, जिसमें आता है हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोनूरिया. होता क्या है हीमोफीलिया, हीमोफीलिया जो है वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, हमेशा मेल के अंदर ही होती है. फीमेल जो होती है उसकी अगर फीमेल में अगर ये है, क्योंकि लीथल कंडीशन होती है, तो फीमेल में अगर होमोजाइगस कंडीशन में ये करेक्टर आ जाता है तो उसकी हम ये बोलते हैं कि फिटल कंडीशन में ही डेथ हो जाती है. तो मेल ही हमेशा इफेक्टेड होता है, हीमोफीलिया से कंटिन्यू ब्लीडिंग होती रहती है और ब्लीडिंग की वजह से उसकी भी डेथ हो सकती है. ठीक है, सिकल सेल एनीमिया जो है वो आप लोगों को मालूम है, ये पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है, है ना, एक अचानक से वो एक हम ये बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड जो है वो वेलिन के थ्रू क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से सिकल शेप के अंदर क्या हो जाती है, हमारी आरबीसी हो जाती है. ये ऑटोसोमल रिसेसिव जो है ट्रेट है. फिनाइलकेटोन्यूरिया के बारे में बात करें तो ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि फिनाइल एलानिन जो होता है वो एक्चुअल में नॉर्मल पाथवे से तो क्या है टायरोसिन के अंदर कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन ये जो है पर्टिकुलर एंजाइम जो होता है उसकी अब्सेंस के प्रेजेंस में फिनाइल एलानिन जो है वो फिनाइल पाइरूविक एसिड के अंदर दूसरे मेटाबॉलिज्म के अंदर घुस जाता है, और फिनाइल पाइरूविक एसिड जो है वो क्या है एक्यूमुलेट होता रहता है, आर्थराइटिस भी हो सकता है, और अगर ये ब्रेन के अंदर अगर ये एक्यूमुलेट होता है तो मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है इसकी वजह से. तो ये फिनाइलकेटोन्यूरिया जो है ये भी क्या है जेनेटिकल डिसऑर्डर है. चलिए इसके बाद में आ जाते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में, जिसमें तीन सिंड्रोम आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, डाउन सिंड्रोम, लीनफेल्डल सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम. ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम जो है वो एक्चुअल में क्या है एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आ जाता, एडिशनल जो हम ये बोलते हैं ट्राइसोमी हो जाती है, नॉट एक्स क्रोमोसोम. हम ये बोले कि 21 जो क्रोमोसोम है वो क्या होता है एक ज्यादा प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है. लीनफेल्डल सिंड्रोम के अंदर हम ये बोलते हैं कि एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो ज्यादा आ जाता है मेल के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं फेमिनिन करेक्टर जो होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं. एंड टर्नर सिंड्रोम की वजह से क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो कम होता है, जिसकी वजह से फीमेल जो होती है उसके अंदर क्या होती है वो स्टेराइल होती है, और हम ये बोल देते हैं कि उसके अंदर ओवरी वगैरह सब रूडिमेंट्री रहती है, तो उसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम. तो याद रखिए यहाँ पे ऑटोसोम जो है एक 21 नंबर वाला जो है वो ज्यादा है, ट्राइसोमी है, यहां पर भी क्या है तो ट्राइसोमी यहां पर भी, बट एक एक्स क्रोमोसोम ज्यादा है मेल के अंदर और यहां पे क्या है एक एक्स क्रोमोसोम कम हो गया फीमेल के अंदर. ठीक है, तो ये तीनों सिंड्रोम जो है वो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है और आपको इसी तरीके से चार्ट के थ्रू पढ़ना है, ये आपके बुक्स के अंदर दिए गए हैं. चलिए ये है आप लोगों के लिए फॉलो अप क्वेश्चंस, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे आप लोगों को आंसर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर. चलिए लिया, नाउ द नेक्स्ट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं इनके आंसर आपको मुझे करके बताने हैं. ओके, तो आज के लिए इतना ही, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. तो मेरे वीडियोस को ऐसे ही फॉलो करते रहिए. थैंक यू, बाय बाय.